नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग लगभग एक महीने बाद पुनः मिल रहे हैं। बीच में हम लोगों का वार्षिकोत्सव हुआ और उसके बाद में कुछ मेरी अस्वस्थता के कारण ये प्रवचन नहीं हो सके। अब पुनः हम ये उद्धव गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। इस बीच संभवतः आप लोग भूल गए होंगे क्या कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे। वैसे इन ग्रंथों में पूर्वापर का क्रम होता भी है और नहीं भी होता है। ये कोई कथा तो है नहीं, एक डिस्कशन है। अगर कोई राम कथा हो तो उसके पहले पूछना चाहिए कि यहाँ तक कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद में बताएं कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक एक एक विषय ले लिया गया है और जहाँ से भी आप प्रारंभ करें वहाँ से ही आपको तत्व मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लें। उद्धव ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए थे। आप लोग जो नियमित रूप से इन प्रवचनों को सुनते रहे हैं आप जानते हैं ये एक आदर्श स्कंध या उद्धव गीता भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, जिस प्रकार भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। श्री कृष्ण अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। और इन दोनों में, दोनों गीताओं में जो अंतर है वह भी मैंने समय समय पर बताया। अर्जुन की समस्या दूसरी थी, उद्धव की समस्या दूसरी है। उद्धव को भगवान निवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, अर्जुन को भगवान प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन को कहते हैं युद्ध करो, भागो नहीं, और उद्धव को कहते हैं कि तुम जाओ। निवृत्ति का कहते हैं कि संसार मिथ्या है इत्यादि। और इसी संदर्भ में एक बार इसमें उद्धव ने एक प्रश्न पूछा था जो हमने पिछली बार देखा, जो एकादश स्कंद का 22वां चैप्टर है, उसके अंत में उद्धव ने पूछा था कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों विलक्षण अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उनका भेद नहीं समझ में आता, इनकी भिन्नता कैसे स्पष्ट हो, प्रकृति और पुरुष को कैसे हम सेपरेट करके जाने। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि आप इसको आप बताइए, आपके अतिरिक्त और कोई इस बात को समझना नहीं पाएगा। और उसके बाद में भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा भेद है। प्रकृति और पुरुष क्या है? यह शरीर, इसको आप यूं देख लीजिए, हमारे शरीर में भी दोनों चीजें हैं। एक है हमारी आत्मा सोल और दूसरा है यह शरीर। ये दोनों बहुत सेपरेट हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम अज्ञान के कारण उन दोनों को समझ नहीं पाते। और इसमें भगवान बार बार एक शब्द का उपयोग करते हैं, वैकारिक, विकारयुक्त, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, भेद जिसमें होता है। भगवान यह भी कहते हैं कि हमारा ये शरीर जो है वह माया के तीन गुणों से बना हुआ है इत्यादि। और उसके बाद में उद्धव पुनः उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग आपसे विमुख हैं, यह 34वें श्लोक में है, त्वत्तः परावृतधियः स्वकृते कर्म भी उच्चावचान यथा देहान गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन मन आख्या ही। भगवान ये बताइए कि जो लोग आपसे विमुख हैं वे लोग ही संसार में आवागमन करते हैं, ऊंची ऊपरी योनि में, उच्च योनि में जाते हैं, निम्न योनि में जाते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी सर्प या कुत्ते बन जाते हैं। ये लोग आपके से परामुख, आपसे जो विपरीत दृष्टि वाले हैं, आपसे जो दूर हो गए हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, तो आप बताइए कि वो लोग क्यों इस प्रकार से, भगवान के से जो भगवान से जुड़े हुए होंगे वो क्या करेंगे, उनको ये समस्या नहीं होगी, दे विल गेट लिबरेटेड, उनको ऊपर नीचे की योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे लोग तो लिबरेट, वो लोग मुक्त हो जाएंगे। जो लोग ऊपर नीचे योनि में जाते हैं वो कैसे जाते हैं, क्यों जानते हैं,
और इसका उत्तर भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण जाते हैं, और कर्मों के कारण, और भगवान उसके अंदर कहते हैं कि जिसमें जहां पर मन लगाया वहीं वही जन्म हुआ। संभवतः आप लोगों को याद होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भगवान देते हैं। वो कहते हैं जन्म और मृत्यु क्या है, किसी एक शरीर विशेष को भूल जाना वो मृत्यु है, और किसी एक शरीर विशेष से आसक्त हो जाना वह जन्म है। और मैंने दृष्टांत दिया था संन्यास का। संन्यास के समय हमारी एक रस्म होती है, क्रिया होती है, नाम बदल देते हैं, एक पिंड दान कर देते हैं, क्या हुआ है? नया जन्म हो गया, हमारे माता पिता का से हमने अटैचमेंट छोड़ दिया, एक नया जन्म हो गया। उस समय एक नया जन्म, हम एक नए प्रकार के शरीर, नए प्रकार के चिंतन के साथ युक्त हो जाते हैं, वही हुआ नया जन्म। कुछ लोग विदेश जाते हैं, पहले वाली सारी चीजें भूल जाते हैं, कह सकते हैं कि वो नया जन्म। इस प्रकार से भगवान इस बात को विस्तार से कहते हैं। हमने इसकी चर्चा की थी, ये सारे शरीर में ही ये क्रियाएं होती हैं, जन्म, उसके बाद वृद्धि, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी इत्यादि शरीर में होती रहती हैं, और ये ऊंची नीची अवस्थाएं मनोरथ मयीम, मनोरथ के कारण, मन के कारण, चिंतन के कारण उसमें मन अटका रहता है, इससे होता रहता है। और इस चैप्टर को हमने समाप्त करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उद्धव एक प्रश्न करेंगे और उसको समझाने के लिए भगवान एक कथा कहानी सुनाएंगे। अभी तक ये बातें होती रही हैं, अधिकांश वे बातें, अवश्य कई जगह पे वैल्यूज की बात भी हुई है, लेकिन अधिकांश कई बातें फिलोसॉफिकल हैं, दार्शनिक बातें हैं, गंभीर तत्व की बातें हैं। लेकिन अब भगवान जो बात कहेंगे, उद्धव उसके ऊपर एक प्रश्न करते हैं, और इस स्थान पर हमने उस बात को छोड़ा था। यह जो चैप्टर है उद्धव गीता श्री एकादश स्कंद का, जो 22वां अध्याय है, उसके एंड में भगवान एक बात कहते हैं। वे कहते हैं क्षिप्तो अवमानितो असद्भि प्रलब्धो असूयो असूयितो अथवा ताड़ितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहारितः निष्ठितो मूत्रितो वा अज्ञैः बहुविधकल्पैः विधम प्रकल्पः श्रेयस्कामः कृच्छगतः आत्मा आत्मना आत्मानं समुद्धरेत। सारी बात करने के बाद में भगवान कहते हैं कि असाधु पुरुष के द्वारा व्यक्ति क्षिप्त धक्का देकर फेंक दिया जाए, अपमान किया जाए, उपहास करे, उसको निंदा करे, मजाक करे, उसके ऊपर थूक दे, मारे पीटे, आजीविका छीन लेवे, इतना सब करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्षुब्ध नहीं होता, क्षेयस्कामः कृच्छगतः आत्मना आत्मानं समुद्धरेत। जो क्षेयस्काम है, जो श्रेय प्राप्त करना चाहता है, वह क्या करे? उसको उन कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा, आत्मना आत्मा यानी मन के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा आत्मानं समुद्धरेत। बाह्य किसी उपाय के द्वारा नहीं, अपने आप विचार के द्वारा आत्मा अपने आप को बचाना चाहिए। भगवान इस बात को यहाँ पर एक प्रारंभ करते हैं, एक रेफरेंस देते हैं, और उद्धव को एक मौका मिल जाता है। उसके पहले कहा था ध्यायोतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थगमो इत्यादि था, तस्मात् उद्धव मां भुंक्ष्व विषयान असत इंद्रियैहि। इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग न करो, क्योंकि तुम बार बार उसके अंदर पड़ जाओगे। इसके बाद में क्योंकि यह संसार जो है यह भ्रमपूर्ण है इत्यादि। और फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इतना इंसल्ट करे, तो उसको जो व्यक्ति सहन कर सके वही श्रेष्ठ है। अब उद्धव प्रश्न करते हैं, ये चैप्टर के एंड का, मैंने यहां पर इसको समाप्त किया था, फिर से ले लें। यथा एवं अनुबुद्धेयम् वदनो वदताम वर दुस्सहम् इमं मन्ये आत्मनि असत्
अतिक्रमम विदुषामपि विश्वात्मम प्रकृतिर्हि बलीयसी रिते त्वद् धर्म निरतान शांतास्ते चरणालयम्। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं वदताम वर, संबोधन कहते हैं कि बोलने वालों में, समझाने वालों में, प्रवचन देने वालों में, किसी वस्तु की व्याख्या करने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। वदताम वर, ये भगवान का संबोधन है। और भी दो तीन संबोधन यहाँ पर कहे गए हैं। विश्वात्मन, आप संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। उसके बाद विश्वात्मन फिर कहते हैं हे वदताम वर, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, यथा एवं अवबुद्धेयम, आप दुस्सहम इमं मन्ये, आपने जो कहा कि दुष्ट लोग अगर व्यक्ति को तिरस्कार करें, कष्ट देवें, तो उसको सहन करना, अहम इमं मन्ये, मैं यानी जानना समझता हूँ कि इमं दुस्सहम, यह अत्यंत दुस्सह है। लोग जब हमें कष्ट देते हैं, गालियां देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उसको सहन करना अत्यंत कठिन है। आप उसे यथा एवं अवबुद्धेयम, मुझे ये ठीक से बताइए कि कैसे सहन करना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात का प्रारंभ करने वाले हैं। भगवान गीता में कहते हैं सहनम, शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, भगवान गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनाम नित्यांस्तां तितिक्षस्व। अर्जुन, तो यह जो इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख हो रहे हैं, ये सब आने वाले हैं और जाने वाले, अभी रहेंगे चले जाएंगे, इसको तू सहन कर। और शंकराचार्य स्थितिक्षा की परिभाषा विवेक चूड़ामणि में करते हुए कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए समस्त दुखों को सहन करना, इसको स्थितिक्षा कहते हैं, चिंता विलाप रहितम। लेकिन उद्धव कहता है कि आसान नहीं, और हम सब जानते हैं इतना आसान नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसी संदर्भ में, अभी जो बात कही कि ये सब जगत भ्रम है, सब वैकारिक है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है इत्यादि, हम अजर अमर हैं, नित्य हैं, बुद्ध हैं, स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में कहते हैं कि इतना सब बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे ही समय कोई व्यक्ति अगर गाली दे देवे तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। क्या हुआ? अभी आप अपने आप को आत्मा अमर अजर अमर सर्वव्यापी सब कह रहे थे, एक मिनट में सब खुश हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं जानता हूं डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, इतनी आसान नहीं, लगे रहना पड़ता। तो उद्धव भी यह कहता है कि आप यह मुझे समझाइए एवं अवबुद्धेयम, इस प्रकार से समझाइए कि मैं समझ सकूं कि किस प्रकार इसको सहन करना। उसके बाद विदुषाम अपि प्रकृति ही बलीयसी, विद्वान लोगों की भी प्रकृति जो है, हे विश्वात्मन, पुरुषों अति अति विद्वान लोग भी जो हैं, उनकी प्रकृति बलवान होती है, उनके लिए भी दुष्ट लोगों का तिरस्कार सहन करना अत्यंत कठिन। मुझे याद है, और बहुत वर्षों पहले की बात है, आज से 25 साल पहले, 26 साल, जब हमारा 1980 में जब संन्यास हुआ, तब तो समझ लीजिए उम्र काफी कम थी। और संन्यास के बाद मैंने कहा कि मैं कहीं मायावती वगैरह जाना चाहता था, अपने ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में बैठा हुआ था, जवान, बिल्कुल नया नया संन्यास, दो कुछ एक दो छोकरे, शैतान छोकरे बैठे हुए, तो एक ने उसको दूसरे को बोला अरे अरे इधर आ इधर आ इधर आ, ये बाबा जी बैठे हुए, आया आया आया, मेरे को टॉन्ट करता हुआ उसने, और मेरा चेहरा लाल, अच्छी तरह याद है मुझे। फिर मैंने कहा अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन लगा तो वो मजाक उड़ाना चाहता था, और मुझे निश्चित रूप से उसने जब मजाक उड़ाई, मुझे लगा इतना आसान नहीं तो, और बुद्धिमान लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं है। उसके बाद कहते हैं रिते त्वद धर्म निरतान शांतान, आपके धर्म में, आपके चरण कमरों में चरणालयान, आपके चरण कमरों में जिसने आश्रय ले लिया है, भगवान के चरण कमरों में जिसने
आश्रय लिया है और आपके धर्मों का जो भागवत धर्म का आचरण करते हैं उनके अतिरिक्त ऐसे शांत पुरुषों के अतिरिक्त शांतान शांत पुरुषों के अतिरिक्त इन तिरस्कारों को निंदा स्तुति निंदा को सहन करना इतना आसान है। तो कहते हैं शांतान चरणालयान तद धर्म निरतान विदुषाम इनसे इनसे इनमें लगे हुए तीन चार विशेषण बताया है भगवान के धर्म में निरत रहना। ये भागवत धर्म का वर्णन हम कर सक किए जा चुके हैं यानी कुछ वैल्यूज हैं जो जिनको जीवन में उतारना है शांत रहना है और भगवान के चरणों का आश्रय लेना है भगवान का आश्रय और कुछ नहीं ऐसे लोग ही सहन कर सकते हैं बाकी सहन नहीं कर सकते। तो उद्धव ने जब यह प्रश्न किया तो भगवान एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते और ये कहानी भले ही कहानी है और एक सिंपल सी कहानी है लेकिन उसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई। वो क्या है त्रयोविंशाध्याय 23rd chapter प्राप्त करते हैं बादरायणी उवाच। बादरायण यानी सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव जी परम भागवत और परम भागवत है और सुखदेव जी यहां से प्रारंभ करते हैं कहना वो कहते हैं स एवं आशंसितः उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशार्ह मुख्यः सभाजयत भृत्यवचो मुकुंदः तम अभाषसे श्रवणीय वीर्यः। उन्होंने छोटे से में कहते हैं उसके बाद में कहते हैं उद्धव चैप्टर का प्रारंभ हो रहा है इसलिए उन्होंने सुखदेव के मुंह से वाणी कही। उन्होंने कहा बड़ा सुंदर श्लोक है छोटा सा एवं आशंसितः ऐसा पूछने पर उद्धवेन उद्धव के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर कौन है उद्धव भागवत मुख्येन भागवत धर्म भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव ने जब यह प्रश्न पूछा किसको दाशार मुख्यः यानी जो वृष्णि वंश वाले हैं यदुवंशी हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं भगवान उनसे प्रश्न जब यह पूछा तब उन्होंने क्या किया मुकुंद भगवान के लिए यहाँ पर दो तीन विशेषणों का उपयोग किया गया है उसमें है मुकुंद और श्रवण श्रवणीय वीर्यः श्रवणीय वीर्यः मुकुंदः दाशार्य मुख्यः श्रवणीय वीर्यः यानि जिनकी कथा सुनने में आनंद आता है जिनकी लीला कथा श्रवण के योग्य है भगवान की लीला हमारी नहीं श्री राम कृष्ण की लीला भगवान राम की लीला भगवान श्री कृष्ण की लीला हजारों वर्षों से लोग सुनते चले आ रहे हैं फिर सुनते चले आएंगे हजारों वर्षों से फिर चले जाएंगे। एक रामचरित मानस हुआ उसके पहले नाना कितनी राम लीलाएं हो गई हैं उसके बाद में अपने रामानंद सागर ने कर दिया है उसके बाद कोई और आएगा एक रामायण बनाएगा हम लोग सुनते चले जाएंगे। क्यों श्रवणीय वीर यह उनको सुनना ही अपने आप में आनंद देने का है श्रवण के योग्य हैं और वे मुकुंद मुकुंद शब्द का अर्थ है मुक्ति और कु मुंह से मुक्ति और कु से भक्ति मुक्ति और भक्ति जो प्रदान करने वाले हैं द यानी देने वाले मुकुंद भगवान मुकुंद मुक्ति और भक्ति देने वाले हैं और दाशार्य मुख यदुवंश शिरोमणि हैं उनको उन्होंने क्या किया जब भगवान ने सुना उद्धव ने इस प्रकार की बात उनसे पूछी तो उन्होंने क्या कहा सभाजयन भृत्यवच अपना जो भक्त था उसके उद्धव की परम प्रेमी भक्त उद्धव की वाणी को सुनकर उनकी उन्होंने प्रशंसा की सभाजय अच्छा प्रश्न किया है तुमने बहुत अच्छी बात अच्छा प्रश्न किया है इस प्रकार से उन्होंने कहा। भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन ने पूछा कि मन तो चंचल है इसको कंट्रोल कैसे करें तो भगवान उसकी प्रशंसा तो कैसे करते कहते हुए हैं कि निश्चयम शुने में कि तुमने जो प्रश्न किया है वो ठीक है मन चंचल है मैं जानता हूं तुम्हारा प्रश्न है समीचीन प्रश्न
और भगवान यहाँ पर भी कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न तुमने ठीक किया है। और वे जानते हैं कि वे जानना चाहते हैं उद्धव। उन्होंने कहा तम अभाषे, उस उन्होंने यह कहा। अब भगवान वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच बारस प्रत्य सवे नात्र साधुर्वे दुर्जने रितैः दुरुक्तैः भिन्नमात्मानं यः समाधातुम ईश्वरः। वो क्या कहते हैं, देखिए यहां पर मुख्य बात है सहन करने की। भगवान ने जो उसने कहा ना, कई प्रकार से हम किसी व्यक्ति वस्तु को सहन कर सकते हैं। एक तो बेसिक क्वालिटी बढ़ाई जाए सहन करने की। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग फिजिकल स्ट्रेस बड़ी आसानी से सहन कर सकते हैं। जो स्लम्स में बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो बड़े घरों में लालन पालन में ऐश आराम में बड़े होते हैं, आप देखेंगे उनकी सहन शक्ति अधिक है। वो लोग संघर्ष करते हैं जीवन में, उनकी सहन शक्ति अच्छी है, मानसिक स्ट्रेस भी सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो एक बेसिक क्वालिटी अगर कोई व्यक्ति अपने में बढ़ाए तो हो सकता है। दूसरी बात है प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जावे, गहरा हो जावे, जिसकी चर्चा अभी बात की है, विस्तार से की है। तो अगर शरीर में कुछ कष्ट होता है तो विचार करके कहें कि अरे ये तो शरीर में होता है, ये प्रकृति में होता है, मुझसे आत्मा तो भिन्न है। तीसरा, अगर सत्व रज और तमोगुण की वृत्तियों पर विजय प्राप्त किया ला जाए, अगर अधिक सात्विक हो जावे, और अगर कुसंग को त्याग कर सत्संग में अगर हम रहें तो हमारी सहन करने की शक्ति बढ़ सकती है। अगर हम सचमुच सहन करने में समर्थ हो जावे तो बहुत बड़ा लाभ है। एक श्लोक है रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षो न विद्यते पविना न भिद्यते याने वधीरा कवचीय विज्ञान सर्वान त्रिणी कृत्य जयंती मायाम। कहते हैं कि रक्षा यानी प्रोटेक्शन, तितिक्षा जैसे या प्रोटेक्शन मुमुक्षु का और कोई नहीं। मुमुक्षु के लिए ऐसा कवच, तितिक्षा जैसा कवच और कोई नहीं है। रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षो न विद्यते। पवीना यानी पवी यानी वज्र से भी वह भेद नहीं हो सकती। पवीना न विद्यते याने वह धीरा कवचीय, धीर व्यक्ति उसके द्वारा उसका कवच बनाकर सर्वान तृणी कृत्य जयंती माया, संसार के समस्त दुखों को तृण समाज समझकर माया को जय कर जाते हैं। ये तितिक्षा इतनी बड़ी चीज है। एक प्रसिद्ध संत वृंदावन में हो गए थे, उड़िया बाबा, वे कहते थे कि अगर तितिक्षा अगर प्राप्त कर दी जाए तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। तो इसी को यहां पर बताने का है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि हे, अभी अब वो कहते हैं इनको बारस प्रत्य, उसको अब वैसे उद्धव जो हैं भगवान के कुल के ही हैं, कोई रिलेशन भी है, लेकिन वे उनको बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को करके उसको संबोधन करते हैं, उनको और महत्व देने के लिए। देखो तुम्हारे गुरु कितने महान, बृहस्पति के तुम शिष्य हो। स्वामी विवेकानंद भारतवासियों को संबोधन करते हुए कहते हैं ऋषियों की संतान, हमारा जो क्या गौरव है उसे याद हमें करना है, ऋषियों की संतान इत्यादि कहते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि दुरुक्ते ही भिन्नम आत्मानम यह समाधातुम ईश्वरः न अत्र साधुर्वै दुर्जने ही ईरितः। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि वह साधु नहीं है, वह साधु हो ही नहीं सकता जो दुर्जन लोगों के बाणों को, दुर्जनों को दुर्जने ही ईरिते ही दुरुक्ते ही भिन्नम आत्मानम यह समाधातुम ईश्वरः। जो दुर्जन लोगों के तीक्ष्ण कटाक्ष बाणों को जो सहन न कर सके वो साधु ही नहीं है। जिसका ये ट्रांसलेशन हुआ, इस संसार में ट्रांसलेशन दूसरी प्रकार, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते
सवे न अत्र साधु, यहां पर ऐसे साधु नहीं मिलते जो दुर्जनों के कटुबाणों से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। भिन्नम दुरुपते ही भिन्नम आत्मानम, अपने हृदय को जो भिन्न किया था उसको समाधा तुम सहन करने में जो समर्थ है ऐसे लोगों मिलते नहीं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन यह होगा कि ऐसे लोग दुर्लभ है। और वही ठीक ठीक साधु है जो दुष्ट लोगों के बाणों को सहन कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इतना सहन कर सको वही तुम ठीक हो। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहता हूं और अगली बार मैं याद करके उसको लेके आऊंगा, मुझे अभी रेफरेंस मिला नहीं। जैन धर्म में साधुओं के लिए कई बातें बताई गई हैं, उसमें एक बात कही है परिशह। परिशह संभवतः 24 प्रकार के वस्तुओं को साधु को संन्यासी जब सामने बनता है, संसार त्याग कर साधु बनता है तो 24 वस्तुओं को बताया जाता है कि ये तुम्हारे लिए सहन करने पड़ेंगे। तो कौन सी चीजें सहन करनी पड़ेगी? तो उसमें है शीत उष्ण, तो पेड़ के नीचे रहना, कड़ी जमीन, जमीन पर चलोगे तो बिना जूते के चलोगे, कांटे कंकर, फिर लोग भिक्षा मांगने जाओगे तो इंसल्ट कर देंगे, कोई पत्थर मारेगा, गालियां देगा। इस प्रकार के 24 बातें स्पेसिफिकली बताई जाती हैं कि इनको सहन करना। सेंट जॉन ऑफ क्रॉस नामक क्रिश्चियन सेंट थे, वे विपरीत बात कहते, वो कहते हैं कि अगर आपको चॉइस मिले, तो क्या करो? जो कठिन चीज है उसको सिलेक्ट करो। दो चीजें हैं, दो सिचुएशन है, दो परिस्थितियां हैं, दो वस्तुएं हैं, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्या किया जाए। तो कहते हैं कि जो आपको कष्ट देने वाली है, जो आपको बुरी लगने वाली है उसको सिलेक्ट करो। हमको लगता है कैसी विचित्र बात है, लेकिन उसके पीछे सकते हैं। और कई बार तो साधक इस स्तर से भी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में दुख आए स्वीकार करो उसको, दुखो मारो अंगीकार करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि सभी लोग सुख चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग दुख भी चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के मेरे को दुख आए ना, जितने जीवन में दुख आए उसको से। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती सॉरी अखंडानंद जी श्री रामकृष्ण के जो शिष्य थे, उन्होंने वहां पर जाकर एक नॉर्थ बंगाल में उन्होंने एक वो चालू किया था ऑर्फनेज, वो गए थे वहां पर और वहां पर वो हुआ था, अपने अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे, बच्चों को उन्होंने ऑर्फनेज किया, बड़ी कठिनाई में उनको जीवन व्यतीत करना पड़ा था। वो जब बेलूर मठ आते थे तो लोग कहते थे कि महाराज आप वहाँ कैसी कष्ट में हैं, कैसी विपदाओं में हैं, आप यहाँ आ जाइए। बहुत पूज्य थे, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कहते थे कि भैया तुम लोग सुख में रहो, कोई बात नहीं, मुझे दुख मिले मैं दुख में रहूंगा, मुझे कोई आपत्ति। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, और इस श्लोक का दो प्रकार से मीनिंग किया गया, एक तो यह है कि ऐसे साधु नहीं मिलते जो कटुक्तियों, दुष्ट लोग जो उनको टॉन्ट करें उसके तीर को अपने ऊपर सहन करने में समर्थ, ऐसे साधु नहीं मिलते। और दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा कि वही ठीक ठीक साधु है जो लोगों की कटुक्तियों, लोगों के इंसल्ट, लोगों के निंदा इत्यादि को सहन करने में समर्थ होवे। न तथा तप्यते विद्धा पुमान बाणे सुमर्म गई ही यथा तुदंती मर्मस्था यसताम परुषवे परुषेशव। इसके बाद कहते हैं मनुष्य का हृदय मर्म मदि बाणों से विधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता। बाणे ही सुमर्म गई ही जितना कि दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाणों से। तीर सहन करना आसान है लेकिन दुष्ट व्यक्ति जब टॉन्ट करते हैं
उसको सहन करना अत्यंत कठिन है, आप लोग सब जानते होंगे, अनुभव करते हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कि कभी भी कटु वचन न बोले, क्योंकि कटु वचन जो हैं वो बाणों से भी तीक्ष्ण होते हैं। इसलिए कभी किसी को अपने वचनों से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, यह भी एक नियम बना हुआ है। उसके बाद कहते हैं, कथयन्ति महत्पुण्यम इतिहासम इह उद्धव तमहम वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः। इस संबंध में भगवान कहते हैं, ये एक इतिहास, एक कहानी है, लोग कहते हैं सुसमाहितः निबोध, विचार कॉन्सेंट्रेटेड होकर मन को एकाग्र करके उसको तुम सुनो, उसको मैं तुझे बताऊंगा। केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणां। इसके पीछे भाव क्या है, भगवान समराइज करते हुए कहते हैं, यह इसको भिक्षु गीत कहा जाए, भिक्षु गीत, ये पूरे चैप्टर को, यह एक भिक्षु की कथा है जिसको जब बहुत कष्ट हुआ, केनचित् भिक्षुणा गीतं, किसी एक भिक्षु के द्वारा गाया गया है, दुर्जने ही परिभूत, दुर्जन लोगों के द्वारा जब उसको परितापित किया गया, कष्ट दिया गया, तब उस भिक्षु ने जो गीत गाया गया है उसको स्मरता धृतियुक्तेन विपाकम, अपने पाप, उसने विपाक अपने जो निज कर्म का पाप को उसने याद किया, जब उसको कष्ट मिला तब निज अपने पापों को, कर्मों को याद किया, और उसको याद करके उसने यह गीत गाया। याद रखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके जीवन में केवल सुखी ही हो और दुख नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा राजा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति, क्यों, क्योंकि हम बुरा कर्म भी करते हैं और अच्छा कर्म भी करते हैं, और दोनों का पाप और पुण्य फल होता है, चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना। अच्छे से अच्छे संतों को आप देखेंगे कष्ट पाते हुए, शारीरिक कष्ट पाते हुए, मानसिक कष्ट पाते हुए, अच्छे अच्छे संत, स्वामी अशोकानंद जी नाम के एक संत बिल अमेरिका में गए, वहां पर कई वर्षों तक उन्होंने प्रचार किया, उनकी पुस्तकें इत्यादि भी हैं, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा बाद के जीवन में बहुत कष्ट पाए। स्वामी परमानंद जी करके एक संत थे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य, और स्वामी रामकृष्णानंद जी जो मद्रास में रहा करते थे, उनके अत्यंत प्रिय थे ये स्वामी परमानंद, अमेरिका में कई कई वर्षों तक प्रचार किया, उनकी मैंने जीवनी पढ़ी है, कितना है उनके जीवन में कष्ट, संतों के जीवन में बहुत कष्ट। मैं बनारस में रहा, कई संत अंतिम समय में बनारस में जीवन काटा उन्होंने, मेरा परम सौभाग्य हुआ उनको वृद्धावस्था में उनको सेवा करने का, लेकिन शारीरिक और मानसिक उनको भी कष्ट बहुत होते, कष्ट से व्यक्ति बिवश नहीं सकता। हम सोचें कि हमको कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सभी को कष्ट सहन करना होगा। तो क्यों होता है ये, हमारे पाप और पुण्य कर्मों के, यहाँ तक तो कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन के साधुओं को कष्ट ज्यादा होता, माँ शारदा के जितने शिष्य हुए हैं अधिकांश शिष्य, उनको बड़ी लंबी आयु मिली और कष्ट भी बहुत हुआ। क्यों, माँ शारदा ने कहा था कि जो मेरे शिष्य हैं उनकी मुक्ति इस जन्म में हो जाएगी, तो इस जन्म में मुक्ति होना है यानी पाप और पुण्य दोनों कटना, अगर पुण्य कैसे कटेगा, कष्ट भोग के ही कटेगा, अगर कष्ट नहीं होगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। तो जब कष्ट होवे तो हमें सहन करना, सोचना चाहिए कि अच्छा है पाप कट रहे हैं। एक जैन संत थी, मेरा परम सौभाग्य हुआ उनके दर्शन करने का, मैं जब युवक था उनके पास जाया करता था, विचक्षण श्री जी नाम की सन्यासिनी थी, मेरी माता तुल्य थी, माता पुत्र समान स्नेह करती थी, उनको अंतिम समय में कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट हो गया, स्तन का कैंसर हो गया, और 2 वर्ष तक कष्ट भुगती रही, दवाइयाँ नहीं ली, कभी कभी 8-8 दिन तक कष्ट के कारण नींद नहीं आती, लेकिन शांत रूप से समाज इसको सहन करते, क्यों, कि अच्छा है, मैं दवाई लेके अपने कष्ट को कम नहीं करना चाहती, ये जो कष्ट हो रहा है इससे मेरे पाप कम कर कर, मेरे पंडया ने कितने कर्म किए हैं, पाप कर्म कट रहे हैं, हम नहीं जानते, हमको हम
इतने केयरलेस हैं अपने जीवन में, हम जीवन इतना लापरवाही से व्यतीत करते हैं, न जाने कितने बुरे कर्म करते हैं, कितने लोगों को कष्ट देते हैं, वह आगे पीछे कभी ना कभी हमारे ऊपर आने। तो इस भिक्षु ने भी, यह तो एक अभी हम देखेंगे कि पहले जमा पहले वो कैसा था, कितना लोगों को कष्ट दिया, उसके बाद में उसे कष्ट प्राप्त हुआ। यहाँ पर तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल जिसे कहते हैं ना, कि एक ऐसा ऐसा एक उदाहरण है जो बहुत अति का उदाहरण है, लेकिन छोटी मोटी इस प्रकार की घटनाएं हम भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वह भिक्षु ने जब उनको कष्ट हुआ, दुर्जन लोग उसे जब कष्ट देते थे, तो अपने धैर्यपूर्वक अपने पापों को निज कर्मों के पाप समझ के कि ये पाप का फल विदित हो रहा है, ऐसा करके वह उसको स्मरण करता था। अवंतिषु द्विजः कश्चित् आसीत् आसीत् आढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धो अतिकोपनः ज्ञातयो अतिथयश्च वाङ्मात्रेणापि नार्पितः शून्यावसत आत्मापि काले कामैर् अनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्र बांधवा तारा दुहितरो वृत्या विषण्णा नाचरत प्रियम। एक एक्सट्रीम केस, एक अत्यंत लोभी कृपण माइजर का वर्णन है। एक अवंती में, अवंती यानी उज्जैन नगरी में एक द्विज यानी ब्राह्मण रहता था। कश्चिद आसित्य आढ़्यतम श्रिया, पैसा बहुत था, बहुत धनवान था। और कौन सा वार्तावृत्ति, वार्तावृत्ति यानी जो व्यापार का या खेती का जो वृत्ति होती है वो करता था। ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण की तो हम अपेक्षा करते हैं कि ब्राह्मण वह दूसरे प्रकार का कार्य करेगा, पुरोहित का कार्य करेगा या पढ़ाएगा इत्यादि, नहीं, वो वार्तावृत्ति यानी किसानी करता था या फिर व्यापार करता था। वार्तावृत्ति खेती व्यापार आदि करके बहुत सा धन उसने इकट्ठा कर लिया। और कदर्यह, तू कदर्यह यानी कृपण, कृपण वो किसी को देना नहीं चाहता। और कामी भोगी, कामी और लोभी लुब्ध, अतिकोपनः अत्यंत क्रोध में आ जाया करता था। ज्ञातयः अतिथयः अपने बंधु बांधव जो जाति के लोग होते हैं, अपनी कास्ट के लोग जो होते हैं वह, और अतिथि लोगों का कभी भी उसने उनको रिसीव नहीं किया, कभी भी उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया। अरे बात से भी, अच्छी मीठी बात करके किसी को प्रसन्न करना वह भी उसने नहीं किया। और क्या, शून्य अवसत, अकेला स्वयं अपनी संपत्ति के द्वारा अपने अकेला में बना रहता था और दूसरों को खिलाने पिलाने के मीठी बात भी नहीं करता था, और अकेले धन संपत्ति के द्वारा अपने आत्मा भी काले कामे अनार्चित। अरे भाई पैसा है तो क्या करो, भोग करो, भोग भी नहीं करेगा, दान करो वो भी नहीं करेगा। पैसा इकट्ठा किया और अपने को भी समय आने पर अपने शरीर को सुख देना है संपत्ति के द्वारा, वो भी नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं जो धन इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठे करते हैं, खुद के लिए भी नहीं खाएंगे, खुद नहीं खाएंगे, दूसरों को नहीं खाने देंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद वर्णन आएगा कि ऐसे लोगों का पैसे का क्या होता है, सारा वर्णन अभी आएगा। दुश्चल्यस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्र बांधवा, उसकी कृपणता, कदर्य यानी कृपणता के कारण उसके दारा दुहितरा भृत्या विषन्ना नाचरत प्रियम, उसके बेटे बेटी, पत्नी, भाई, बंधु, चाकर, नौकर चाकर, भृत्य इत्यादि और पत्नी मनी मन उसका उसको अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को बिल्कुल को पसंद नहीं करते थे। अरे उसके उसके वो मनी मन उसको अनिष्ट चिंतन किया करते थे, कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था, वो लोग बिल्कुल उसको नहीं चाहते थे। तस्यैव यक्षवृत्तस्य चुत उभयो उभय लोकतः धर्म काम विहीनस्य चुक्रुः पंचभागिनः। अब क्या हुआ, तस्यैव यक्षवृत्त, यक्षवृत्ति, यक्ष कौन है,
ये कुबेर के अनुचर, कुबेर जो हैं वो धन के देवता माने जाते हैं, और उनके कुबेर एक यक्ष हैं, और यक्षों का क्या काम है, वो धन की रक्षा करने वाले, बस धन की रक्षा करने वाले, धन का भोग नहीं करते, धन किसी को देते नहीं, धन की रक्षा करने वाले लोगों को यक्ष कहा जाता है। तो जो यक्ष है तस्य व यक्ष वित्तस्य, यक्ष की वृत्ति वाले इस के चुत उभय लोकतः, और उभय लोक उसका नाश हो गया, संसार में भोग नहीं किया, इह लोक में मजा नहीं किया। अरे एक लोग कहते हैं ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कितः, जो चार्वाक लोगों के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो, खाओ पियो, मजा करो, अरे मरने के बाद क्या होना। वो ये लोग तो पालन करते हैं, जिसी प्रकार से भोग तो करते हैं इस संसार में, ये व्यक्ति तो जा है कि इस संसार का भी भोग नहीं करेगा, यह लोक नष्ट हुआ और परलोक तो नष्ट हो गए क्योंकि पुण्य नहीं करता। धर्म काम विहीनस्य, धर्म भी नहीं और काम भी नहीं, धन की रखवाली करता रहा, धर्म नहीं कमाया और भोग भी नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के पंच भागिना चुक्रु। और जो पंच भागी यानी जो पंच देवता हैं, जो यज्ञ किया जाता है उसको पांच देवता उस यज्ञ को का भाग लेते हैं, वे लोग गुस्सा हो गए। कौन से पांच यज्ञ हैं आप लोग जानते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये पांच यज्ञ हैं। सभी गृहस्थों का कर्तव्य है कि इस पांच यज्ञों को करें। ब्रह्म और इनका उद्देश्य क्या है, ये पांच देवता माने जाते हैं, इसका उद्देश्य है कि इन पांच प्रकार के एंटिटीज, पांच प्रकार की इनसे हम लोग ऋणी हैं। एक तो है ब्रह्म, ब्रह्म यानी भगवान, उन्होंने हमें यह शरीर दिया है, इनके हम भगवान के हम ऋणी हैं, उनको हमें ऋण पूर्ण करना चाहिए, कैसे, स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है, उसके बाद में है देवता, देवता इंद्र हमको वर्षा देते हैं, सूर्य उनको प्रकाश देता है, वरुण अग्नि है, ये सब देवता हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र आदि किया जाते हैं। आजकल के जमाने में हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में प्रणामी चढ़ाते हैं इत्यादि, ये करते हैं। तीसरे हैं पितृयज्ञ, आप लोग तर्पण करते हैं, पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष जब आता है तब श्राद्ध तर्पण इत्यादि किए जाते हैं, पितरों के हम ऋणी हैं, हमारे पिता, हमारे प्रपिता, पितामह, पितामह इत्यादि जितने भी हैं उनको हम ऋणी हैं, उनको हम तर्पण इत्यादि करते हैं। उसके बाद नृयज्ञ, समस्त प्राणियों, मानव जितने हैं उनके हम ऋणी हैं। मैं कई बार कहता हूँ, ये कपड़ा पहना है ये पता नहीं कितने हाथों से उकर आया है, हमारा परस्पर सहभाग, वी हैव टू लिव इन कोऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस, हम एक साथ रहना पड़ेगा, बिना उसके रह नहीं सकते, हम दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे हम पर निर्भर हैं, तो वह जो है उसको उसको कैसे पूर्ण करना, अतिथि सेवा के द्वारा, अतिथि सेवा के द्वारा, दूसरे जो भी कोई व्यक्ति आया उसको पे ऑफ करना, उसको उसको देना, दान करना। आज के जमाने में ये अतिथि सेवा का भाव बढ़ गया है, सोशल एक्टिविटीज, समाज का कार्य कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, ये हो गया नृयज्ञ। और पांचवा है भूत यज्ञ, प्राणियों पर भी हम निर्भर हैं, कुत्ते को रोटी दीजिए, गाय को सब्जी चारा दीजिए, चींटियों को थोड़ा सा वो चीनी इत्यादि देने का विधान इत्यादि है, दुर्भाग्य से हम उसको तो बिल्कुल छोड़ दिया है, हम लोग बिल्कुल एंटी इकोलॉजिकल हो गए हैं, समस्त प्राणी मर रहे हैं, कई प्रकार की स्पीसीज नष्ट हो रही हैं, ये सब बड़ी भयानक बात। तो इस व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया, ये पांच भागी जो हैं, पांचों के पांचों रुष्ट हो, चुकुशु, ये पांचों रुष्ट हो गए। और जब ये पांच रुष्ट हो जाएंगे तब क्या हुआ, तद अवध्यानस ध्यान विस्त्रस्त पुण्य स्कंधस्य भूरिदः अर्थो अपि अगच्छन निधनम बाह्वायास परिश्रमः, उसके परिणाम स्वरूप
उसके जो पुण्य पूर्व पुण्य का सहारा जिसके था वह चला गया। आप पुण्य नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर धन नहीं रहेगा। इसने पुण्य नहीं किया, संचय मात्र करता रहा, किसी की सेवा नहीं की, किसी को उसने सुख नहीं प्रदान किया। ये पांच जिनके हम ऋणी हैं उनको नहीं आपने किया तो याद रखिए आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा और देन यू आर गोइंग टू सफर। देखिए छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत बड़े सत्य बताए जा रहे हैं, इसलिए स्वाध्याय कीजिए, देवी देवताओं के पूजन कीजिए, तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, अतिथि सेवा या लोगों की सेवा कीजिए, सोशल वर्क कीजिए और प्राणियों की रक्षा कीजिए। ये सारी चीजें करना चाहिए, अन्यथा उसका प्रकोप हमको सहन करना पड़ेगा। ये प्राणियों की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा और सारी समस्याएं जो आजकल आप देख रहे हैं ये होने वाली। पहले जमाने में प्रत्येक व्यक्ति इसको करता था, आज के जमाने में कलेक्टिव हो गया है, लेकिन कलेक्टिव भी हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको पूर्ण किया जाए। तो इसका क्या हुआ, अर्थो अगच्छत निधनम, जो उसका धन था वो निधन को प्राप्त हो गया। धनम निधनम प्राप्तम, जो धन था वो मर गया, निधन धन मर गया, यानी उसके आंखों के सामने भी बहु आयास परिश्रम, बहुत आयास और परिश्रम से जो उसने धन इकट्ठा किया था वह सब धन उसके सामने ही नष्ट हो गया। ज्ञाति वह जगृह किंचित किंचित दस्य वह उद्धव देवतः कालतः किंचित ब्रह्म बंधो नृपार्थिवत। अब धन अगर आप सत्कार्य में उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे नष्ट होगा यह बताया गया। क्या गया है, ज्ञाते है जगृह कश्चित, कुछ तो निज ब्राह्मण का धन जो था वो कुछ कुटुंबियों ने छीन लिया। आप जानेंगे कुछ लोग आपका बैंक बैलेंस में से मार देंगे, कुछ आपका प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, आपके मकान पे कब्जा कर लेंगे, ये करेंगे। कुछ लोग तो ज्ञाती यानी जो बंधु बांधव हैं उनके सगे संबंधी उन्होंने छीन लिया। पहला किंचित दस्य वह, कुछ लोग दस्यु लोग कुछ चोर आके ले गए, चोरी कर लेंगे, आपकी कार खड़ी होगी तो ले गए, आपका पुण्य तो रहा नहीं, आपका पुण्य का इफेक्ट नहीं रहा। आपकी कार खड़ी थी चोरी कर ली, कार में से सामान चोरी कर लिया, कुछ न कुछ हुआ। दस्य वह, कुछ लोगों ने चोरी किया, दस्यु ले गए। दैवतः कालतः किंचित, कुछ तो देवी प्रकोप के कारण नष्ट हो गया, फ्लड्स आ गए, आपकी खेती नष्ट हो गई, आपका मकान गिर गया, आग लग गई। ये देवतः कालतः, कुछ क्या हुआ, कुछ आग लगाने से देव को जो, और कुछ टाइम से इन टाइम वो नष्ट हो गया, पड़ा हुआ था सामान मकान घर में भरा हुआ था, उसमें दीमक लग गया, काल से पड़ा पड़ा डिके हो गया। बन ब्रह्म बंधो निपार्थिवत, और कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और कुछ टैक्स लगा दिया राजा ने, निपार्थिव राजा ने टैक्स लगा दिया, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, आप टैक्स तो इनकम टैक्स सेल्स टैक्स पता नहीं कितने टैक्स हैं, रामकृष्ण मिशन पे भी टैक्स लगने वाला है, आप बता देता हूँ आप लोगों को प्रणामी के ऊपर टैक्स लगेगा, बेलूनवर से चिट्ठी आई है प्रणामी के ऊपर, अनोनिमस जो होगा बिना नाम के लोग कुछ दे देते हैं ना, लोग ब्लैक का पैसा है तो क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की प्रणामी में डाल दो। तो हम देखते हैं कई बार 1,000 का नोट आ जाता है, इतना सा प्रणामी तो रामकृष्ण क्या है टैक्स, ये सरकार जानती है कि ये प्रणामी वाले लोग जाके जो इनके ब्लैक वाला पैसा है वो रिलीजियस बॉडीज में दे देते हैं, यानी 30% लग जाएगा टैक्स इसके ऊपर। अब जब भी कोई देगा तो कहें पूरा नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, तब उसको स्वीकार करिए, तो सरकार टैक्स लगा के उसको ले लेगी। इस प्रकार स एव द्रिवड़े नष्टे धर्म काम विवर्जित उपेक्षित स्वजने चिंता माप दुरत्या, उसकी हालत खराब हो गई, नष्ट जब धन नष्ट हो गया, धर्म और धर्म नहीं, काम नहीं, भोग नहीं, पैसा नहीं, तब क्या हुआ,
स्वजन ही उपेक्षित है, स्वजनों ने उसको छोड़ दिया। जैसे ही पैसा होगा तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद छोड़। क्या है? नष्टे द्रव्ये क परिवार है, ज्ञाते तत्वे क संसार है। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, नष्टे द्रव्ये क परिवार है। अगर नष्ट हो जाएगा द्रव्य, धन नष्ट हो जाएगा, तब परिवार कहाँ है? कोई नहीं पूछेगा आपको, सामने ही नहीं आएगा। इतने आपके पास आते थे, अब आप जा रहे हैं तो मुंह फेर के सकतरा के निकल जाएगा। नष्टे द्रव्य क परिवार है, ऐसी बात हो जाएगी। और उपेक्षता स्वजन ही, स्वजनों के द्वारा उपेक्षित हो गया, चिंता माप, बहुत चिंतित हो गया, क्या करूं, उसने भयानक चिंता ने उसे घेर लिया। तस्यैव ध्यायतो दीर्घम नष्टरायः तपस्विनः खिद्यतो वाष्पकंठस्य निर्वेदम सुमहानभूत सचाह इदमहो कष्टम वृथा आत्मा मेनापुतः न धर्माय न कामाय यस्य अर्थायास्य ईदृशः। इसके बाद से यहाँ पर उसका गीत प्रारंभ होता है, यहाँ से भिक्षु गीत प्रारंभ होता है, वो चिंता करता है। देखिए कुछ लोग जो हैं वो कष्ट पाकर भोग सीखते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो दूसरे को कष्ट देखते हुए सीख जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उसमें खुद नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश हम लोग संसार में ठोकर खाकर सीखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ठोकर खा के भी नहीं सीखते। मुख्य बात है ठोकर खाने की जरूरत क्या है, दूसरे को देखो ना कष्ट पाते हुए और सावधान हो जाओ। तो कहते हैं वो कहाँ है, उसने क्या कहा है, तस्यैव ध्यायतो दीर्घम नष्ट रायस तपस्विनः, धन के नाश से उसको क्या हुआ, वाष्पकंठस्य निर्वेदः सुमहानभूत। धन के नाश से, नष्ट रायः, नष्ट धन के नाश से उसको अत्यंत जलन हुई, और खिद्यतः खिद्यतः खेद हुआ, अत्यंत खेद हुआ, वाष्पकंठस्य आंखों में आंसू आ गए, और सुमहान निर्वेदः अभूत। और ध्यायतः चिंतन करते करते, विचार करते करते एक बड़ा उपको लाभ हुआ, निर्वेदम अभूत। ये निर्वेद शब्द कई बार आया है और आप लोग जो इसको अटेंड कर रहे हैं, मैंने कहा होगा निर्वेद शब्द बार बार इस अध्याय इस किताब में, उद्धव गीता में बार बार आया है, निर्वेदम अभूत, वैराग्य हुआ। परीक्ष लोकान कर्मशिष्टान निर्वेदम आयात, वो वेदों में कहा गया है, कुंडमंडक उपनिषद में, न अस्ति अकृतः कृते न इत्यादि, विचार करके निर्वेद होता है। विचार करके, अगर उसको उसने विचार नहीं करता, इतना कष्ट हुआ, लेकिन कितने लोगों को कष्ट होता है उससे, क्या विचार बिना नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, निर्वेद नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि लोगों के प्रतिवर्ष पुत्र मर रहा है, गरीब लोगों की हालत, तो प्रतिवर्ष जन्म भी हो रहा है, बच्चा मरा 13-15 दिन तक तो माँ ने बहुत रोना धोना किया, उसके बाद में फिर लिपस्टिक लगाना चालू कर दी, निर्वेद नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, विचार नहीं था, बिना विचार के वैराग्य नहीं, निर्वेद नहीं होता। इस व्यक्ति का सौभाग्य था कि उसको जब ठोकर लगी उसने विचार किया, और महान निर्वेद, बहुत महान उसको निर्वेद हुआ। सच अहम, इसके बाद की अर्थ की चर्चा, इसके बाद से वह इसका भिक्षु गीत प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। वो किस प्रकार से सारी बातें बताएगा कि अरे अरे धन की क्या अवस्था होती है इत्यादि, धन के कितने दोष हैं, दुख कष्ट हैं, धन कितने अनर्थ का कारण है, ये सारी बातें वो बताएगा, और उसके बाद में वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।